दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, आपको बता दें कि होमगार्ड को देना होगा 1.5 गुना पगार। दिसंबर में लागू हो रहा है ये नियम। खनिज विभाग आबकारी और RTO को मुफ्त में जवान नहीं देगा होमगार्ड। देनी होगी 1.5 गुना पगार। दिसंबर में लागू होगा ये नियम। खनिज विभाग आबकारी और RTO को मुफ्त में जवान नहीं देगा होमगार्ड। देनी होगी 1.5 गुना पगार। दिसंबर में लागू होगा ये नियम। नियम कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों को छोड़कर होमगार्ड अब अन्य विभागों को अपने जवान मुफ्त में नहीं देगा। कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों को छोड़कर अब अन्य विभागों में अपने जवान मुफ्त नहीं देगा। इस आवश्यक आदेश डायरेक्टर जनरल होमगार्ड ने जारी किए। नई व्यवस्था के अनुसार होमगार्ड सेवाएँ केवल उन्हीं विभागों को दी जाएंगी जो उपलब्ध कराएगा जवान की पगार यानी वेतन का 1.5 गुना देने को तैयार होंगे। होमगार्ड का कहना है कि जो विभाग ये भुगतान करने को तैयार नहीं होंगे उनके कार्यालयों से 1 दिसंबर से जवानों को वापस बुला लिया जाएगा। खनिज आबकारी RTO में अटैच हैं जवान। सागर समेत मध्य प्रदेश में होमगार्ड के अधिकांश RTO आबकारी और खनिज विभाग में अटैच है। होमगार्ड के सीनियर अफसरों का कहना है कि हम केवल इन्हीं विभागों से जवानों के वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में होमगार्डों के एक जवान को करीब 21,500 रुपये महीना वेतन दिया जाता है। इस हिसाब से इन विभागों में करीब 32,000 रुपये प्रत्येक जवान का वेतन देना होगा। अतिरिक्त राशि में 10% कल्याण पर खर्च करेंगे। होमगार्ड प्रबंधन के अनुसार विभागों से मिलने वाली राशि में 50% राशि हमारे केंद्रीय कल्याण कोष में जमा की जाएगी। इसका उपयोग होमगार्ड की बीमारी उन्हें समय समय पर दी जाने वाली आर्थिक मदद के रूप में किया जाएगा। शेष राशि उन्हें पूर्व की व्यवस्था के मुताबिक वेतन के रूप में दे दी जाएगी यानी उन्हें पूर्व की करीब 1,500 रुपये वेतन के रूप में दिए जाएंगे। इसलिए ही अन्य विभागों से वसूलने की नौबत। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग होमगार्ड के जवानों की पगार देने के लिए काफ़ी समय से परेशान है। स्थिति यह है कि जवानों को 6-6 महीने तक का पगार नहीं दी जाती। जैसे जैसे बजट आवंटित होता है तो किसी जिले में 15 तो किसी में महीने भर की तनख्वाह प्रत्येक जवान को दे दी जाती है। 2 महीने तो सागर में ही कुछ जवानों को मात्र 1-1 सप्ताह का वेतन दिया जाता था। जवान नहीं होने पर चेकिंग गश्त पर पड़ेगा प्रभाव। होमगार्ड का वेतन देने के लिए अगर आबकारी खनिज और RTO के प्रमुख राजी नहीं होते हैं तो इसका सीधा असर उनकी मैदानी ड्यूटी पर पड़ेगा। इन तीनों विभागों में समय समय पर चेकिंग, धरपकड़ जैसी गतिविधियां चलती हैं। इस दौरान बगैर परमिट वाहन चालन, अवैध उत्खनन, शराब का अवैध परिवहन, बिक्री आदि करने वालों की झड़प की स्थिति बनती है। अगर जवान वापस लिए गए तो मुमकिन है कि इन विभागों में उड़नदस्ता, रूटीन चेकिंग टीम मैदान में जाने से परहेज करे और होमगार्ड कलेक्टर के अधीन कार्यालय जैसे SDM तहसीलदार में पुलिस को वेतन मांगने वाले नियम से बाहर रखा जाएगा। इसलिए यहाँ से जवानों की ड्यूटी हटा दी जाएगी। हाँ जी दोस्तों, तो अगर जवानों को वेतन डबल दिया जाता है तब तो होमगार्ड जवान यहाँ ड्यूटी कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।